साई प्रणाम। सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अस्थि कलश यात्रा से पूर्व अटल जी किए गए याद, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, कहा अजात शत्रु थे अटल। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय अटल अस्थि कलश यात्रा हुई संपन्न। लोगों का उमड़ा जनसैलाब, मुख्यमंत्री पैदल चलकर पहुंचे राजघाट। राप्ती में विसर्जित हुई अटल अस्थियां। महानगर के एक स्थानीय स्कूल में हुआ गंडन रेंज उद्घाटन, मंडलायुक्त और आईजी ने भी लगाए निशाने। गत दिनों कमिश्नर आवास पर चली गोलियों का वर्चस्व की लड़ाई से था संबंध, पकड़ा गया एक अभियुक्त। पास से मिला कार्बाइन राइफल, पिस्टल सहित भारी मात्रा में कारतूस। और प्लैनेट ग्रुप ने मिस और मिसेस प्रतियोगिता का किया ऑडिशन, महिलाओं ने बिखेरे रैंप पर जलवे। अटल जी के अस्थि कलश यात्रा के पूर्व राष्ट्रीय नेता के सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सिविल लाइंस स्थित नेपाल लॉज में किया गया, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के कई मंत्री, नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। यात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री ने अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद अपने संबोधन में और उनकी याद में कहा, दिल्ली में उनका आधिकारिक आवास की ओर दौड़ पड़ा या फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय, और जिसे इन तीनों स्थानों पर जगह नहीं मिला तो उनके अंतिम स्मृति स्थल में उमड़े हुए लाखों लोगों की उस भीड़ में वह भी अपने आप को कहीं ना कहीं पा रहा था। आज संचार माध्यम बहुत तेज हो चुका है, हर क्षण की घटना को देश और दुनिया ने देखा है। वास्तव में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को जो यशस्वी नेतृत्व उन्होंने अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण वर्षों में दिया, एक पत्रकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, और एक राजनेता और एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, हर क्षेत्र में वह उस क्षेत्र के लोगों के लिए अनुकरणीय बन गया। गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर के साथ श्रद्धेय अटल जी का संबंध किसी से छुपा हुआ नहीं है। गोरखपुर में उनका अंतिम आगमन 2004 में हुआ था, और वह भी मुझे याद है 2004 में जब उनका गोरखपुर आगमन अंतिम बार हुआ था तो गोरखपुर एयरपोर्ट पे हम लोग मिलने के लिए गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे अपनी भारतीय वायुसेना के विमान से उतरे, उन्होंने कहा कि मैं आपकी शिकायत करूंगा मोहन जी से। मैं समझ नहीं पाया क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे केवल गोरखपुर में एक सभा करनी होती थी और शेष अन्य जगह गोरखपुर से अपने आप कवर हो जाता था, और इस बार मुझे बताया गया कि आपने कहा है कि गोरखपुर में सभा की आवश्यकता नहीं, इसलिए मुझे जगह जगह जाना पड़ रहा है।
मैंने कहा ऐसा तो नहीं, मैंने तो गोरखपुर की आपकी सभा मांगी है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा हाँ। वहां से वे महाराजगंज के लिए चले गए, हम लोग बाय रोड महाराजगंज गए। महाराजगंज की सभा से पंकज चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, इनकी सभा महाराजगंज में संपन्न करके अटल जी हेलीकॉप्टर से गोरखपुर आ गए, हम लोग बाय रोड आ रहे थे। वे एयरपोर्ट से सीधे गोरखनाथ मंदिर चले गए, बिना किसी कार्यक्रम के वे गोरखनाथ मंदिर चले गए और वहां पर आधा घंटा महाराज जी के साथ बैठक करके चाय पी करके फिर वापस दिल्ली चले गए। उसी दौरान मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो मैंने दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा आपने मंदिर का कार्यक्रम बनाया, आपने बताया भी नहीं। कहा कि मैं जब कह रहा था शिकायत करने की बात, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कम से कम आप बोलेंगे कि मंदिर आ जाइए, आपने नहीं कहा, इसलिए स्वयं महाराजगंज पहुंच गए। और महाराजगंज के मंच पे जब मैंने देखा कि आप महाराजगंज के मंच पे हैं, इसलिए मुझे अवसर मिला कि मैं चुपचाप मंदिर होकर के आ जाता हूं इसी बहाने। कितनी अपनी बात, कितना एक जज्बा था जीवन में कार्य करने का और हर क्षेत्र में। वास्तव में व्यक्ति जब जमीन से जुड़ा होता है और जीवन के एक लंबे अनुभव को अपने कार्यों के साथ जोड़ता है, तो जो भी कार्य होता है वो व्यावहारिक धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देता है। मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि जब भी इस देश के गांवों के विकास की बात होगी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो सदैव अटल जी का स्मरण होगा, अटल जी याद किए जाएंगे। जब भी इस देश के अंदर बुनियादी ढांचागत विकास की बात होगी, टू लेन, फोर लेन, सिक्स लेन, एट लेन, इन राजमार्गों के निर्माण की बात होगी, तो सदैव अटल जी याद किए जाएंगे। भारत की संचार क्रांति में जब किसी गरीब के जेब में मोबाइल फोन और आधुनिक संचार माध्यम उसके हाथ में दुनिया की दूरियों को घटा रहा होगा, तो बरबस अटल जी का स्मरण हम सबको होगा। जब भी भारत अपनी राष्ट्रीयता की बात करेगा, देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा होगा, सदैव अटल जी याद किए जाएंगे। और भारतीय जीवन मूल्यों में, जब भी सार्वजनिक जीवन में मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों की बात होगी, तो सदैव अटल जी का स्मरण होगा। आज के दौर में जब राजनीति बहुत सारे लोगों के लिए धंधा बन चुका हो, राजनीति को मूल्यों और आदर्शों से विरत कर दिया गया हो, उन स्थितियों में अटल जी का वह विराट व्यक्तित्व लोगों को मूल्य और आदर्शों के साथ जोड़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा गोरखपुर में भारी जनसैलाब के बीच निकाली गई, जिसमें स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहे। हजारों की तादाद में लोगों का गवाह बना राजघाट, जिसके राप्ती नदी में मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से अटल जी की अस्थियों का विसर्जन किया। पेश है हमारे स्पेशल कवरेज अटल यात्रा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता, ये लाइन कहने वाला अनंत में विलीन हो गया। ये पंक्तियां लिखने वाला चिरकाल तक अमर हो गया, लेकिन भारत के रत्न की यादें और विचार हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था, जिंदगी क्या तू मौत से बड़ी हो गई, तेरी उम्र ही क्या दो पल भी नहीं। 93 साल तक जिंदगी को भरपूर जीने वाले अटल जी की मौत की उम्र सच में दो पल की भी नहीं थी और किसी की भी नहीं होती। इस राष्ट्रीय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अस्थियों का विसर्जन भारत के 100 अलग अलग नदियों में किया जाना तय हुआ और गवाह बन सके इस ऐतिहासिक पल का
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अस्थि कलश यात्रा की अगुवाई की और हमारे अटल नेता की अस्थियों को राप्ती में ले जाकर स्वयं विसर्जित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भाजपा के छोटे बड़े सभी नेता इस ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी बनना चाहते थे, जो इससे पहले इस गोरखपुर को कभी ऐसा ऐतिहासिक मौका नसीब नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को साथ लेकर, जिसमें सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, अधिवक्ता, व्यापारी सभी शामिल थे, राजघाट की ओर चल दिए। इस अस्थि कलश यात्रा में मानो लोगों का सैलाब आ गया हो। ऐसा बहुत ही कम किसी नेता के लिए होता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक पार्टी के नहीं बल्कि राष्ट्र नेता थे, क्योंकि वो दलगत राजनीति से कहीं ऊपर के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, क्योंकि वो अटल थे, अजात शत्रु थे। नेपाल लाश से होते हुए अटल जी की अस्थियों की यात्रा महानगर के कई प्रमुख चौराहों से गुजरी और राजघाट के राप्ती नदी के पास जाकर समाप्त हो गई। इस जनसैलाब का एक ही गूंज थी, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल बिहारी तेरा नाम रहेगा। भूतो ना भविष्यति वाले इस तरह की अस्थि कलश यात्रा शायद ही अब कभी देखने को मिले, क्योंकि अटल जैसा व्यक्तित्व वाला इंसान अब शायद ही इस धरती पर कोई और हो। हो सकता है इस अस्थि कलश यात्रा पर सियासत शुरू हो जाए, और शुरू हो भी गई है, लेकिन भाजपा अगर अपने पितामह को इतने सम्मान पूर्वक विदाई देना चाह रही है, तो इसमें आलोचनाओं के अध्याय लिखने वालों को भी एक बार सोचना होगा। जिस 93 साल के व्यक्ति ने पूरा का पूरा जीवन राष्ट्र के लिए और पार्टी को खड़ा करने में लगा दिया हो, क्या वह इस सम्मान का हकदार नहीं? क्या अपने पितामह को इस तरह की विदाई देना भाजपा का फर्ज नहीं? और क्या गोरखपुर को अटल की अस्थियों के सफर का गवाह बनने का हक नहीं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं बर्फखाने से पैदल चलकर इन अटल अस्थियों का विसर्जन राप्ती नदी में किया। भीड़ में शामिल हर शख्स मानो गवाह बनना चाह रहा हो, जो शायद इससे पहले गोरखपुर के सरजमी पर कभी देखने को मिला। इस अटल यात्रा में जहां एक ओर हजारों की तादाद में अटल जी अमर रहें के नारे लगे, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के पसीने भी इनको नियंत्रित करने में छूट गए। फिर भी किसी ने अनुशासन की दहलीज को लांघा नहीं और साथ हो लिए अमर अटल यात्रा के मुसाफिर बनने को। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या कोई और, सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए बेकरार थे, क्योंकि जो जा रहा था वो अटल था, जो जा रहा था वो अजात शत्रु था, और जो जा रहा था अविस्मरणीय था। किसी भी नेता के लिए इतना बड़ा जनसमूह उसकी याद में शायद ही कभी चला हो, जो इस यात्रा में देखने को मिला। 93 साल के अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी लंबी भी थी और बड़ी भी, और शायद काल के कपाल पर लिखने वाले इस इंसान की हस्ती भी इतनी ही बड़ी थी, जिसके ऊंचाई के आसपास कोई अब तक खड़ा नहीं हो पाता। राप्ती नदी इन अस्थियों को अपनी लहरों के साथ समाते हुए अपने आप को भी इस अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय यात्रा का गवाह बना लिया।
भाजपा के मंत्रियों ने इस कलश यात्रा पर अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह से दी। आज भी अटल हैं, अमर हैं, क्योंकि आज यद्यप क्यों हमारे साथ नहीं, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष, उनका दृढ़ निश्चय, उनका कार्य हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। आज गोरखपुर राजघाट राप्ती नदी में उनके अस्थि कलश का तर्पण किया गया। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी सहित गोरखपुर मंडल के क्षेत्र से आने वाले सभी सांसद, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण मौजूद रहे। और विशेष रूप से सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि अटल जी एक ऐसे राजनेता थे जो विरोधी दलों के भी प्रिय थे। योगी अपने अटल जी की अस्थि कलश को देखने के लिए उमड़ा हुआ था। नेपाल क्लब से ये यात्रा चली और यात्रा धीरे धीरे हुजूम में बदलती गई ये अस्थि यात्रा। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं, आप लोगों ने देखा है कि नॉर्मल से स्वयं पैदल आकर यहाँ पर अटल बिहारी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि का विसर्जन किए हैं। किसके अगुवाई में हुआ है, कौन कौन साथ में रहा है, मुख्यमंत्री जी भी साथ में? लखनऊ से 5 लोग इस यात्रा को लेकर आए। आदरणीय कामेश्वर सिंह जी जो प्रदेश मंत्री हैं, जयप्रकाश निषाद जी जो सरकार में मंत्री हैं, मैं स्वयं, डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, बंधु सिंह जी और सरजीत निषाद, ये 5 लोगों ने लेकर लखनऊ से यहाँ पर आए। और लखनऊ से कुशीनगर, कुशीनगर से महाराजगंज और महाराजगंज से होते हुए गोरखपुर आज यहाँ का अस्थि कलश का विसर्जन। ये स्वीकार किया जाता है कि अटल जी के अंदर जो विलक्षण प्रतिभा थी वह अन्य दूसरों में कम मिल सकता है। वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि का विसर्जन उत्तर प्रदेश के 18 कमिश्नरियों में करने का योजना उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था। उसमें 16 कलश जो है विसर्जन का कल 9 बजे से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से रवाना हुआ और यहाँ का कलश मैं लेकर के चला और बाराबंकी, ये जो है फैजाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर होते कुशीनगर जिला भ्रमण करते हुए, महाराजगंज भ्रमण करते हुए, यानी गोरखपुर कमिश्नरी का यह अस्थि कलश विसर्जन का कार्यक्रम आज गोरखपुर में श्रद्धांजलि सभा के बाद यहाँ राप्ती नदी के राजघाट पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उनके कमलों के द्वारा विसर्जित हुआ है। यात्रा के मुख्य मार्ग के दोनों ओर लोग अपने श्रद्धा सुमन इस अटल नेता को फूलों के माध्यम से अर्पित कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था ये कोई अपना ही जा रहा है। जिंदगी को जी भर के जीने वाले की मौत भी इतनी शानदार रही कि मानो स्वर्ग भी ये कह रहा हो, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी। अपने क्रिएटिव हेड अभिषेक श्रीवास्तव और सहयोगी रूपेश कुमार के साथ पूरे सिटी वन चैनल की ओर से मैं सुनय पांडे अटल जी की अस्थियों को शत शत नमन करता हूँ। महानगर में गन शूटिंग की प्रतिभा को निखारने के लिए यहीं के एक स्थानीय स्कूल में गन एंड रेंज का उद्घाटन मंडलायुक्त अनिल कुमार की उपस्थिति में किया गया। बच्चों में शूटिंग प्रतियोगिता के प्रति रुचि को उभारने के लिए एक स्थानीय स्कूल ने अपने एक ग्राउंड को गन शूटिंग के नाम कर दिया है। इसके उद्घाटन में मंडलायुक्त अनिल कुमार, IG नीलाब्जा चौधरी और महापौर सीताराम जायसवाल उपस्थित रहे।
गन रेंज के उद्घाटन में कमिश्नर अनिल कुमार और आईजी नीलावजा चौधरी ने भी शॉट लगाए। अगले स्कूलों की बात की जाए तो गोरखपुर में इस तरह के शूटिंग रेंज वाला यह पहला स्कूल साबित होगा जो आगे चलकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग के खिलाड़ी पैदा करेगा। इसके बारे में बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल कुमार, आईजी नीलाब्जा चौधरी और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्कूल को भी, इसके स्कूल के बच्चों को भी इससे फ़ायदा होगा और आसपास के इलाकों में जो ऐसे बच्चे हैं या ऐसे शौकीन व्यक्ति हैं जो कि शूटिंग करना चाहते हैं, उसमें अपना हुनर बढ़ाना चाहते हैं, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। एक अत्याधुनिक शूटिंग रेंज का है निर्माण किया है। आशा है कि इस खेल को इससे बढ़ावा मिलेगा और बच्चे और स्टूडेंट्स इसमें रुचि लेंगे और आगे अपने नाम और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इसको खिलाड़ी बनाने की हमारी योजना है और आज कमिश्नर साहब, आईजी साहब ने शूटिंग रेंज का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि बच्चे प्रांतीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानाबाजी में अपना स्थान बनाएं। संस्कृति पब्लिक स्कूल बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, देश का सम्मान आगे बढ़ाने के लिए शूटिंग में ये कार्यक्रम चलाया है। हम बच्चों को प्रशिक्षित करके प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने की व्यवस्था देंगे। कैंट क्षेत्र कमिश्नर आवास के सामने रंगदारी के लिए फायरिंग का मामला रंगदारी का न होकर बल्कि वर्चस्व की लड़ाई थी। एसएसपी शलभ माथुर के नेतृत्व में कैंट और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने नामजद चार अभियुक्तों में से एक पूर्व विधायक के पुत्र और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैसर बाजार संत कबीर नगर प्रिंस अगम सिंह को कैंट क्षेत्र के पैडलेगंज के पास गिरफ्तार कर लिया। एक कार्बाइन, एक पिस्तौल, दो राइफल, भारी मात्रा में कारतूस और एक स्विफ्ट कार भी बरामद हुई। फरार तीन अभियुक्तों सूरज सिंह, अनिल शर्मा, सूरज शर्मा सभी पर 25,000 का इनाम एसएसपी ने घोषित किया है। इस बात की जानकारी एसएसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। रात में फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें कुछ लोग घायल हुए। इसके अंदर जो वादी पक्ष था उसके द्वारा कुछ नेम्ड अभियुक्त जो कि उसके पूर्व के परिचित थे उनके ऊपर रंगदारी इत्यादि धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 386, 307 घटना का अनावरण करते हुए इसके अंदर जो प्रिंस अगम सिंह जो कि वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं एसर जिला संत कबीर नगर के, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कुछ साथी जैसा कुछ साथी अभी इनके फरार हैं। घटना का अनावरण ये हुआ है कि ये दोनों पक्ष हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का काम करते थे और एक हॉस्पिटल का संचालन जो है प्रिंस अगम सिंह के पास में था, एक हॉस्पिटल पक्ष का संचालन जो वादी पक्ष उसके पास में था। इस बीच एक नया जो उनके वहाँ पर खोला गया था और दूसरे पक्ष के द्वारा इस चीज़ को लेके जो पेशेंट्स वहाँ पर आते हैं उनके दिखाने को लेके इन दो पक्षों के बीच में विवाद है। घटना के पूर्व भी दोनों पक्षों के बीच में चीज़ प्रकाश में आई है कि पंचायत हुई थी, लेकिन इसके अंदर ये जो पंचायत थी वो असफल रही और घटना के वक्त फिर जब दोनों के बीच में विवाद हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में जैसे मैंने बताया कुछ लोग घायल हुए और इसके अंदर जो प्रिंस अगम सिंह है वही वहाँ पर जो संजीवनी जो हम लोग की जानकारी वहाँ पर संजीवनी हॉस्पिटल का संचालन कर रहे थे और दूसरा पक्ष जो है वहाँ पर पल्स जो क्लिनिक है वो चला रहा था। और एक उसके बाद में प्रकाश में आया कि एक सर्वोदय क्लिनिक का मैनेजमेंट भी जो वादी पक्ष है उसके पास में आया, तब ये झगड़ा हुआ और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई और जो शेष लोग फरार हैं उन सबके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। जो अभी कभी गिरफ्तार हुआ है आवश्यकता के ऊपर पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया जाएगा। उसके पास से असला भी बरामद हुआ है
और शीघ्र हम बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी करेंगे। इसके अंदर टीमें गठित हैं और सतर्क हम लोग का प्रयास करेंगे। ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार किया गया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइज, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आई एम अनमीत, आई एम अमित विद अमित ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। हे गाइस, इट्स एकेश, यू आर वाचिंग गोरखपुर सिटी वन नंबर वन चैनल। हाय, मेरा नाम है तुषार जोशी, सिटी वन चैनल के रीलॉन्च पे ऑल द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महानगर में महिलाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्लैनेट ग्रुप एक मौका दे रहा है। इसी के अंतर्गत शहर के आजाद चौक स्थित एक स्थानीय स्कूल में मिस और मिसेस पूर्वांचल के ऑडिशन का आयोजन किया गया। इस ऑडिशन में महिलाओं ने रैंप पर चलकर अपने खूबसूरती के माध्यम से अपने जलवे बिखेरे। फाइनल के लिए 10 मिसेज और 10 मिस पूर्वांचल का चयन किया जा चुका है। इस तरह की प्रतियोगिताएं उस सोच पर चोट पहुंचाती हैं जो महिलाओं को सिर्फ घर तक ही सीमित रखना चाहते हैं, जबकि महिलाओं के उड़ान की कोई सीमा नहीं है। सिटी वन से बात करते हुए प्लैनेट ग्रुप के अमित राव ने इसके बारे में बताते हुए कहा, जो कंटेस्टेंट है वो बस्ती फैजाबाद देवरिया और गोरखपुर शहर के तो सबसे ज़्यादा है ही हैं, तो आज यहीं पे चयन होना है और देर रात जो ये प्रोग्राम जो 3 अलग अलग चरणों में इनका फाइनल राउंड किया जाएगा। सबसे पहला हिंदुस्तानी राउंड, जो फिर दूसरा वेस्टर्न राउंड और तीसरा इंडो वेस्टर्न जो गाउन राउंड होगा, और उसी के बाद ये जो विनर चुना जाएगा और विनर को काठमांडू का ट्रिप दिया जाएगा साथ में, और बहुत सारे सभी को कुछ ना कुछ इनाम में दिया जाएगा। इसमें मिस और मिसेस मिला के 10 मिस में और 10 मिसेस में ये पूरा ऑडिशन करने के बाद फाइनल राउंड के लिए पहुँचाया गया। बिल्कुल, यहाँ पे आके, हालांकि ये पहली बार पूर्वांचल में हम आए हैं या क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का शहर है तो हमने यहाँ के महिलाओं को भी मौका दिया है, तो यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है महिलाओं ने। उधर इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने सिटी वन से बात करते हुए अपने अनुभव के बारे में कुछ इस तरीके से बताया।
अभी मेरा मिसेज पूर्वांचल ये आज है और 24 सितंबर को मेरा मिसेज इंडिया का है। कितने पार्टिसिपेंट हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को एक हाउस वाइफ? एक्सक्यूज मी, मैं बोल सकती हूँ? एक हाउस वाइफ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों के बीच में मैं भी आई हूँ, अपना किस्मत आजमाने, देखिए कौन जीतता है, ये तो किस्मत की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा भैया। थोड़ा हम लोग अपने लिए टाइम निकाले हैं कि हम अपने लिए भी थोड़ा खुश हो जाएं। प्लेटफॉर्म ऐसा सर ने दिया है, विक्रम सर ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। इस तरीके के कॉन्टेक्ट से ये होता है कि जैसे हम मैरिड हैं तो कहते हैं लोग कि मैरिड के बाद आप कुछ कर नहीं सकते हो। मैं नहीं मानती हूँ, अगर करने की चाह है तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी करने की कोई एज नहीं होती है। हौसला बुलंद हो तो सब कुछ पॉसिबल है। तो इस फेम से हमें मतलब कि आगे जाने के लिए, आगे कुछ करने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बहुत बहुत बड़ा मतलब कि ये हमारे लिए प्लेटफॉर्म है। और जिसके डायरेक्टर विक्रम सर हैं, विक्रम रॉय, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें यहाँ तक लेके आए। बाकी चलना हमारा काम है, सो हम कर रहे हैं। बाकी विनर बनते हैं या नहीं बनते हैं वो किस्मत की बात है हमारी। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।